हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शशांक राज और आप स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SREM ब्लॉग्स में। आज है 25 मई, बजे हैं अभी सुबह के 7 और हम जा रहे हैं मॉर्निंग राइड पे। बाइक तो बहुत गंदी हो गई है, चलो थोड़ा साफ कर लें। को वॉश करवाना पड़ेगा, वॉश करवाएंगे आज या कल, देखते हैं। चलो भैया, हो गया, अब हम चलते हैं। ये रेडी टू गो। ओह माय गॉड, कितनी धूप है। ये हम आ गए गोल पार्क। अब ऊपर से जाऊं या नीचे से जाऊं? नीचे बहुत ट्रैफिक होगा, ऊपर से चलते हैं। नीचे सिग्नल भी है। ये है करिया हार्ट फ्लाईओवर, इसको कहते हैं करिया हार्ट फ्लाईओवर। नीचे है मार्केट और ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है। आज बहुत, कल बारिश हुई थी लेकिन आज इतनी तेज धूप है। सुबह के 7:30 बजे हैं और इतनी तेज धूप, दोपहर तक तो चला देगा ये धूप। PC चंद्रा ज्वेलर्स, मॉर्निंग के टाइम में एक चीज होता है, पूरी रोड आपको खाली मिलेगी। थोड़े बहुत बहुत लाइट ट्रैफिक रहता है। वो देखो ट्राम, मैं यहाँ पे 5 साल रह चुका हूँ, बस सिंगल टाइम ट्राम पे चढ़ा हूँ, बस एक ही बार। ये देखो तो सिंगल वाला है। और तेरी इधर भी एक है ट्राम, हम फंस गए सिग्नल पे। और नहीं, सिग्नल अपना खुला हुआ है। हम किधर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं पार्क सर्कस, करिया हट टू पार्क सर्कस। ये है मस्त बिरला मंदिर, द वन एंड ओनली बिरला मंदिर। कितना खूबसूरत है, रिटर्न में दिखाऊंगा मैं। अभी मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट। हम आ गए हल्दीराम। चलो 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 चलो, यस। हमें जाना है स्ट्रेट, इस साइड से भी जा सकते हैं लेकिन मैं जाऊंगा स्ट्रेट।
एक और ट्राम और एक और सिग्नल। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, इसमें लिखा भी होगा कहीं पे कब की है भाई, नहीं दिख रहा। ये है माँ फ्लाईओवर। इधर से हम चले जाएंगे पार्क सर्कस। अरे काय कर तो भाओ, अरे रोड पे ट्राम लाइन। किसी दिन मैं आपको ट्राम पे बैठ के वीडियो बनाऊंगा, वो डालूंगा। क्या है, असेंबली ऑफ गॉड चर्च स्कूल। अच्छा ये स्कूल है, इसमें अच्छे स्कूल। आओ यार, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि बीच में रोड हो, दोनों साइड पेड़ हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। केकेआर है हथियार तैयार। से लेंगे राइट, ऊपर से भी जा सकते हैं लेकिन मैं नीचे से जा रहा हूँ क्योंकि मैं 20 से रहा। यह है इंडियन म्यूजियम एस्प्लानेड के जस्ट पहले। यहाँ पे आपको बहुत सारी हेरिटेज बिल्डिंग्स मिलेंगी जो बहुत ही पुरानी है।
आ गया है एस्प्लानेट। अभी एस्प्लानेट कितना शांत है, अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे के बाद से यहाँ पे इतनी भीड़ होगी कि चलने के लिए जगह नहीं रहेगा। ओ माय गॉड, ये दुकानें भी नहीं खुली है, इसके अंदर बहुत बड़ा मार्केट है। ये रहा एस्प्लानेट मेट्रो, और आप राइट लेंगे तो चांदनी चौक जाएंगे, लेकिन मैं लूंगा लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट में है बस स्टैंड, जिसमें कि नॉन एसी एसी बस मिलती है। आप यहाँ से कोलकाता नहीं, वेस्ट बंगाल के किसी भी एरिया में जा सकते हैं, चाहे वो दुर्गापुर, आसनसोल हो, बांकुड़ा हो, रायगढ़ हो, कहीं भी। और ये आ गए हम रानी रासमनी रोड, इसको कहते हैं रानी रासमनी रोड। रानी रासमणि कौन थी वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर से निकल लूँ, फिर मैं आपको रानी रासमणि के बारे में बताऊँगा। इस साइड एसी बस स्टैंड है, वो सारी बसें खड़ी है, यहाँ से आप दीघा भी जा सकते हैं, सिलीगुड़ी भी जा सकते हैं। ये है रानी रासमणि, इनका यहाँ पे स्टैच्यू बना हुआ है। और वो है द फेमस ईडन गार्डन। के आसपास बहुत सारे और भी ग्राउंड हैं, यहाँ के बच्चे खेलते हैं या बच्चे सभी खेलते हैं। हाँ, तो रानी रासमणि कौन थी? रानी रासमणि का जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था, और उनकी शादी हो गई थी 11 साल की उम्र में। जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था बाबू चंद्र दास, जो कि जमींदार हुआ करते थे इस इलाके में। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है 1800 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई, तो पूरा जमींदारी का पूरा लोड आ गया इनके ऊपर, रानी रासमणि के ऊपर। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संभाला, और कहते हैं कि बाबू घाट जो एरिया है, वो बाबू घाट इन्होंने अपने पति की याद में वो बनाया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा बाबू घाट। और रानी रासमणि ने ही दक्षिणेश्वर टेम्पल को बनाया था, वहाँ पे उन्होंने श्री राम प्रिंस परमहंस जो थे उनको उन्होंने ही अपॉइंट किया था एज ए प्रिस्ट। और बहुत ही सोशल वर्कर थी वो, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था उन्होंने। तो ये थी रानी रासमणि। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है समथिंग 1955 के। कितना खूबसूरत है एरिया है।
ओह माय गॉड, घोड़े ही घोड़े, ये सारे घोड़े जो आप विक्टोरिया मेमोरियल के पास से एक तांगा मिलता है, घोड़ा गाड़ी, वही वाले घोड़े हैं। मैं लेफ्ट लूँ? चलो लेफ्ट लेता हूँ। हेलो घोड़ा भाई साहब, कैसे हो? किधर गया घोड़ा भाई साहब? कैसे हो? खा लो खा लो, भूख लगी होगी। ओह माय गॉड, इधर भी बहुत सारे घोड़े हैं, घोड़े ही घोड़े। ये है विक्टोरिया मेमोरियल, अभी यहाँ पे सैनिटाइजेशन हो रहा है। ये देखो, मुझे जाना है सीधा। मंगाना बता यार, ये मंगाना बता, ये नंबर पड़ा बात। सुबह सुबह घूमने का एक अलग मजा है, थोड़ी सी धूप है, थोड़ा और पहले मुझे निकलना था। इसको कहते हैं शेक्सपियर सरानी, इस रोड का नाम है। Turn about right.
ओह वाटर क्रॉसिंग, छोटा सा तालाब। चलो 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 चलो, खुल गई खुल गई। अरे ये है ये आ गया हमारा घर। आज हमने 2 घंटे की राइड की, बहुत मज़ा आया। अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।